हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चहल मल्होत्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल WWE गेमिंग स्टेशन में। तो भाई, रेसलमेनिया तो आप सबने देख लिया और रोमन रेंस अपने बन चुके हैं डबल चैंपियन, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियन भी और डबल चैंपियन भी। तो आज हम गेम प्ले करेंगे रोमन रेंस वर्सेस जो रिटर्न आया WWE में कोडी रोज रेसलमेनिया 38 में। भाई वापस आए, क्या भाई रिटर्न किया, मतलब मज़ा आ गया कि नहीं आया, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न, मज़ा आ गया इसको देख के। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का इसलिए आज हम गेम प्ले करेंगे। रेसलमेनिया बैकलैश अब अगला PPV है, तो ये मैच होने का बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है। कोडी रोड्स अभी आया रिटर्न, सेट को आके हरा भी दिया, तो अब हो सकता है रोमन से लड़े, और रोमन से लड़ेगा तो लड़ेगा एक चैंपियनशिप के लिए मेरे हिसाब से, और वैसे भी ये यूनिफाई हो ही जाएगी अभी, तो पता नहीं अभी देखते हैं क्या होता है। बट आज गेम प्ले करेंगे कोडी रोड्स वर्सेज द ट्राइबल चीफ, द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेज द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो भाई ये मैच होने वाला है, बहुत ही तगड़ा मैच है भाई, पता है इस मैच में कोई भी जीत सकता है। अगर आपको लग रहा है ना रोमन ही जीतेगा, तो ऐसा नहीं है, कोडी भी जीत सकता है भाई। कोडी रोड्स बहुत तगड़ा रिटर्न किया है, मैच करेंगे आज हम गेम प्ले। चल भाई स्टार्ट करिए। एंट्रेंस देखा, अरे कोडी का एंट्रेंस देखें यार, कैसा दिया जरा देखें। कोडी पहले आ रहा है, मैं बना हूँ इस मैच में अभी के लिए रोमन ही बनाऊँ, पता है रोमन बनाऊँ, मुझे लगता है रोमन जीत जाएगा, लेकिन कोडी भी कम नहीं है यार, कोडी किससे कम नहीं है। सेट को आके हरा दिया ना भाई, कोडी का रिटर्न था गूसबम्प्स मोमेंट, और उसका गाना इतना मस्त लगा ना कोडी रोड्स का, मतलब यार मज़ा आ गया यार। एक्सपेक्टेड था सबको, लेकिन तब भी इतना मज़ा आएगा सोचा नहीं था, गूसबम्प्स आ गए थे, मतलब बिल्कुल मस्त रिटर्न था। सुबह सुबह 6:30 का टाइम था, 7:30 का टाइम था उस समय देख रहा था, ऐसा रिटर्न हुआ ना, मज़ा आ गया एकदम, है कि नहीं। और रेसलमेनिया नाइट वन और नाइट टू को कितना रेट करोगे ये बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। बट अभी इसको हम एंट्रेंस को करते हैं स्टेप। भाई कोडी रोड्स रियल लग रहा है यार, काफ़ी सही फेस बनाया है जिसने बनाया, अटायर भी वही है। आ जा द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। चल भाई आ रहा कोडी, पूरा एंट्रेंस देख ले क्या। और भाई वीडियो को एकदम लाइक कर देना, चलो इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लेना। और क्या खतरनाक एंट्रेंस करता है, वाह कोडी रोड्स की भाई आया ना ये रेसल में, जो पॉप मिला इसको भाई, खतरनाक एंट्रेंस देखा था, नीचे से ऊपर आया, क्या एंट्रेंस था, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल, गजब गजब बवाल रिटर्न था एकदम बवाल। अब आएगा अपने ट्राइबल चीफ जो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन चुका है, तो ये है ट्राइबल चीफ अपना। और ये मैंने रेसलमेनिया वर्जन डाउनलोड कर लिया है, जो कि आपने स्टार्टिंग में रेंडर में देख लिया होगा, डबल चैंपियन वाला रेसलमेनिया वाला अटायर डाउनलोड कर लिया है। एंट्रेंस डबल चैंपियनशिप पे हो ही नहीं सकती भाई, पता नहीं कोई ग्लिच है, डबल चैंपियनशिप की एंट्रेंस है ही नहीं गेम में, यहाँ है नहीं, यहाँ सेट नहीं होती, कुछ है ग्लिच, देखो होगी ही नहीं, दिखना ना। बट अभी ट्राइबल चीफ आ चुका है, वैसे मेरे बैकलैश में लग रहा है ये मैच होने वाला है, पता है, और हो सकता है कोडी जीत जाए। मैं चाहता हूँ, पता है कौन जीते, कोडी अगर जीत भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीतेगा नहीं, चाहता तो मैं छोड़ी दो भी, चाहता तो मेरे चांस से क्या ही होगा। मैं अपनी वैसे मेरे बैकलैश बहुत दूर है, मैं कल 7 मई को होना है पीछे, अभी तो महीना पड़ा पूरा, तो देखते हैं कौन होता है रोमन का अपोनेंट। आज था रॉ, रॉ में भी रोमन ने टीज किया है, मतलब टीज कुछ नहीं किया, यही तो पता लगाना है कि कौन होगा। स्मैकडाउन के लिए टीज किया, कुछ बड़ा करने वाला है स्मैकडाउन में। चल भाई स्टार्ट करते हैं, कोडी वर्सेस रोमन ड्रीम मैच, ट्राइबल चीफ वर्सेस कोडी रोड्स। कोडी रोड्स भाई बड़ा मस्त था यार इसका एंट्रेंस, मैं फैन हो गया यार बंदे का, मतलब स्टार्टिंग में भी मैंने देखा था कोडी रोड्स को 2010-12 में, लेकिन तब इतना कुछ ध्यान नहीं दे रहा बेचारे थे, लेकिन अब जो रिटर्न किया, इम्पैक्ट जो दिया है भाई, मार्वलस रिटर्न था, मार्वलस, स्टुपेंडियस था, बिल्कुल सही में स्टुपेंडियस। बट अभी गेम प्ले करते हैं ट्राइबल चीफ वर्सेस कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर भाई खत्म यार, टाटा बाय बाय ही हो गया ब्रॉक को बेचारे का। भाई ब्रॉक के फैंस के बहुत बुरा लग रहा है यार, मुझे तो खुद बुरा लग रहा था ब्रॉक जब हारा, हालांकि टीम रोमन में था मैं, लेकिन तभी बेचारा ब्रॉक दूसरी बार हारा था रोमन से, मतलब मेरे में कोई एक तरीके से लग रहा था कितना हार गया बेचारा, तरस आ रहा था बेचारे को, और चला भी गया ब्रॉक, अब लग रहा है शायद थोड़े दिन का ब्रेक ले सकते हैं, थोड़े महीनों का भी हो सकता है ब्रेक, कुछ कह नहीं सकते। भाई रोमन का तो इंजर्ड हो गया था शोल्डर, देखा था, आ जा जरा कोडी रोड से रोमन में देखते क्या होता है आप, गेम प्ले करते हैं। अरे अरे फिनिशर नहीं, नहीं फिनिशर दे दिया भाई उसने, क्रॉस रोड एपिक फिनिशर है यार इसका, क्रॉस रोड दे दिया इसने, बच्चा हट स्पीयर खाएगा, क्रॉस रोड देता है भाई, जूता सही लग रहा है रोमन का, यही ऐसे करके आया था लाल लाल रोमन जूता, देखा था ना। वैसे मेरे बैकलैश पीवी भी है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है ज़्यादातर, वैसे मेरे बैकलैश में ज़्यादा कुछ खास मैचेस नहीं होते, लेकिन इस साल लग रहा है अच्छा होगा अगर कोडी वर्सेस रोमन करवाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा सिजारो वर्सेस रोमन हुआ था, पकाऊ सर, मतलब कोई स्टोरी लाइन कुछ खास लगा नहीं था उसका, बोरिंग मैच था, पता था सबको रोमन जीतेगा, जब ब्रॉक को हरा दिया था
अब कोडी को भी हरा देगा मेरे हिसाब से, बट देखते हैं क्या होता है। कोडी भाई कम नहीं है कुछ सही में, चल देखते हैं यार क्या किया जाए। मतलब वो तो मारी खाया जा रहा है, तो कुछ करेगा नहीं कर ना कुछ। ओ भाई मारने लगा, जीतने नहीं दूंगा इसको मैं आज, हट जा। वो फिनिशर खाएगा। वैसे मैंने की बात की, मेरी पहली वीडियो हुई वैसे मेरी बात, पहली बार बना रहा हूँ। पिटे आ रहा है तो नीचे आके टेबल तोड़ गया हूँ। द अमेरिकन नाइटमेयर पे आ जा, द ट्राइबल चीफ वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर। चल जरा नीचे चलते और मैं फिनिशर दूंगा। फिनिशर फिनिशर फिनिशर, अरे यार देना, ले फिनिशर खा। स्पीयर स्पीयर, अरे भाई बहुत बढ़िया, खत्म करो, खत्म होगा नहीं ये। वन टू, अरे किक आउट कर ही दिया। 75 ओवरऑल था, मुझे लगा था हार ही गया, कोई बात नहीं। नीचे आना यार, नीचे आ। कोडी का किस रन बहुत पसंद आया मुझे, तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया पता है। एक्सपेक्टेड होने के बावजूद इतना मज़ा आएगा मैंने सोचा नहीं था। और अरे कहाँ आ रहे, नीचे आ गया। चेयर उठा चेयर उठा, अरे चेयर नहीं उठाता यार मैं भूल गया था, पड़ी मुझे। नीचे में लड़ रहे हैं, नीचे में कुटाई हो रही है। अरे भाई साहब नीचे में कुटाई, और भाई मार भी रहा है यार, क्या क्या कर रहे हैं। इसके मूव देखे थे ना आप लोगों ने भाई, गजब एक नंबर मूव थे। आज तो कोडी रोड्स ने कुछ टीच भी नहीं किया कि नेक्स्ट, मतलब ये टीच जरूर किया कि रेसलमेनिया मतलब नेक्स्ट वीक का होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतने का, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का टारगेट। लेकिन रोमन ने तो कुछ नहीं टीच किया, वो भाव भी नहीं दिया बेचारे को। यार ये मैच हो जाना चाहिए, मज़ा आएगा देखना होगा। सेट सही ना कहीं दोबारा मैच होगा, वो भी होगा तो ठीक ही रहेगा। बहुत ही बढ़िया मैच था, नाइट वन का बेस्ट मैच तो यही था, सेट वर्सेस कोडी। दोबारा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं, बट देखते हैं। रोमन से होगा ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या कर रहा भाई कोडी, क्योंकि वैसे भी सेट ने आज हाथ मिला के काम खत्म कर दिया, मेरे को लग रहा है स्टोरी लाइन का। सुपर रन पंच मारो, और अरे बच गया रफी को पिट गया यार, फिनिशर देने यार, हट ले सुपर रन पंच। ब्रॉक के हेटर तो बड़े गुस्से में पता है रोमन के खिलाफ भाई, कहीं ना कहीं ना थोड़ा ब्रॉक के लिए बिल्कुल तरस आ रहा है सही में। ब्रॉक बेचारा आया क्या करने से, मतलब स्टोरी लाइन में यही था ना, रोमन वर्सेस ब्रॉक स्टोरी लाइन शुरू हुई, समर स्लैम से लगा हुआ है, बेचारा जीत नहीं पाया एंड तक जाते आते, हार के ही गया, मतलब तरस आ रहा था कल से। हालांकि रोमन जीता उसमें मज़ा आया, लेकिन मैच में ना रोमन को इंजरी भी हो गई थी, तो इंजरी भी हो गई थी शोल्डर पता नहीं कुछ हुआ था, डिसलोकेट हो गया था पता है, तभी मैच को शॉर्ट किया गया ऐसे सुनने में आ रहा है, बाकी पता नहीं। आ जा आ जा, उड़ जा उड़ जा भाई उड़ जा, स्पीयर दूंगा करके स्पीयर, आ जा स्पीयर। अरे अरे क्या कर रहा है, स्टाइल मारने लग गया, अब मार ये ले हुआ, अरे हुआ के चक्कर में पिटूंगा। फिनिशर कोडी रोड्स दे दिया भाई, कोडी रोड्स गेम में नहीं है यार, रियल वाला ओरिजिनल, ये भी अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन रियल वाले की अलग बात होती है। वन टू भाई बच जा, हाँ क्या करने आ रहा है भाई, बस नीचे मत दे यार, हालत खराब कर रहा है इसे, क्या कर रहा है, हट हट हट, अरे ये क्या कर रहा है। ओ भाई ये क्या दे रहा है यार, ये क्या गर्दन उड़ाएगा कि मेरी, ओए भाई पागल कैसा मूव दे रहा है बताता हूँ, क्या क्या दे रहा है यार, गर्दन तोड़ेगा ये तो, टेबल नहीं तोड़ा था ना नीचे, अब आएगा टेबल तोड़वाएगा ये। मतलब कोडी का तो गाना जो है ना, एक तो जो थीम है मेरा फेवरेट बन चुका है, ट्राइबल चीफ का वैसे मेरा फेवरेट थीम है रोमन का, लेकिन अब कोडी का बहुत पसंद आया। पहली बार सुना ना, पहली बार ही सुना था नाइट वन में, लेकिन इतना पसंद आया ना, वही सुनो बाबा मेरे फेवरेट। कोडी रोड्स की हाइप अभी तक बनी हुई है, ऐसा नहीं आ गया तो खत्म, कोडी रोड्स की हाइप अलग लेवल की अभी भी चल रही है। रोमन से मैच करवा दो मज़ा आ जाएगा, बैकलैश वैसे ही पिछली अगला करवा दो यार, उसके बाद मेरे ख्याल हेली में सेल है ना, बैकलैश के बाद हेली में सेल है, जहाँ पे ब्रॉक एडवर्टाइज नहीं, तो लगता है ब्रॉक जाने ही वाला छोड़ के अब कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई। कोडी भाई छोड़, हट हट हट, फिगर तो करके कॉर्नर से टेबल तोड़ा कि नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ दिया ना शायद, तोड़ तो दिया, अरे हाँ तोड़ तो दिया यार, मैं क्या हो गया भुलक्कड़ हो गया इनको, अभी तोड़ के आम क्या टेबल तोड़ा या नहीं तोड़ा। चल फिनिशर दे दे, फिनिशर दे दे, अरे दे, अरे बहुत ही सही, गजब गजब फिगर दिया, उठा सुपर हैंड पंच में तो वो भी दूंगा, ले ये ले सुपर हैंड पंच, एक और फिगर आ जा भाई। ये इसमें ना अभी तो यहाँ पे मैच बड़ा आसान कि मैं जीतने वाला हूँ, लेकिन रियल में अगर ये मैच हो जाता ना भाई, कोडी है अपना, कोडी हाँ हारने वाला नहीं है। AEW में जिसने मैचेस देखे होंगे, मैंने तो खुद नहीं देखे, लेकिन कहते बहुत अच्छा था
AW में, तो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। और एक देखो स्पाइन बस्टर यहीं भी दे दिया, मुझे लगा था हार जाएगा, यहाँ पर भी हरकत कर रहा है। फिनिशर नहीं दीजिए, ओए फिनिशर नहीं, सेंटर ऑफ द रिंग में क्रॉस रोड्स दे दिया, क्रॉस रोड्स कांड हो गया लगता है अपना। वन ओ भाई बच बच गया रोमन, आखिरी सेकेंड में बच गया, बच गया बच गया भाई। सेट का क्या लग रहा है, सेट का जैसे मैच होगा, ओ ये क्या कर रहा है, ओए ओए पागल कैसे मूव दे रहा है, सेट का क्या लग रहा है, सेट का जैसे मैच होगा। हट हट छोड़ दे, क्या कर रहा है ये, हरिया सुपरमैन पंच, ये लाख पड़ा सुपरमैन पंच देने यार उठना। अरे भाई साहब बच गए तो, कितना चल रहा है, हारना हार ही नहीं रहे तो, इतना कम ओवरऑल है तब भी नहीं हार रहे। जा नीचे जा, अरे नीचे भी नहीं जाता, लगता है हरा ही के रहेगा। जा नीचे, अरे नीचे क्यों नहीं जा रहा ये, नीचे नहीं करना। अरे कोडी रोड भाई अमेरिकन नाइटमेयर भाई, काम खराब ना करते हैं, हार जाना कितना तो लड़ लिया, हट जा पियर मार तो खत्म करते। अरे भाई क्या कर रहा है ये, उड़ रहा है हवा में, सुबह पंच दे, अरे बचा लिया उसने सुपरमैन पंच, कहाँ घुस गया रोमन, कहाँ घुस गया रोमन, क्या किया, नहीं अब मैं गया, पता है अब मैं गया, कोडी रोड फिर से ले गया, क्रॉस रोड पिनफॉल नहीं करवा रहा, देखो पिनफॉल नहीं करवा रहा, फाइव स्टार मैच हो चुका है भाई। इनटू द कवर गोस कोडी रोड्स भाई, नो नो वे भाई, रोमन नहीं हार, बच बच बच, हारे हार गया यार, हार गया कोडी रोड्स ने, हरा दिया। अरे यार हरा दिया इसने कोडी ने भाई, बिना थीम के ना बड़ा खाली खाली लग रहा है, अभी जैसे मैंने इतने सारे थीम सुने नए नए, क्या लगता है भाई रियल में ये होगा, मेरे को तो नहीं लग रहा होगा, अगर हो जाएगा तो मज़ा तो आएगा लेकिन होगा नहीं। रोमन के आगे शायद कोडी को ना जिताएं, बाकी कोई भी हो तो कह नहीं सकता, रोमन के आगे थोड़ा सा कम चांस है कोडी का, बाकी जो आज का गेम प्ले हम यहीं तक रखते हैं और रेसल में देखते हैं, जो जो मैचेज होंगे सब करेंगे और बाकी 2K22 में तो खेलेंगे खेलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं, ओके टाटा बाय बाय।